सो हेलो गाइज, आप सबका फिर से एक नए वीडियो पे स्वागत है। सो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों को एक बहुत बड़ी अपडेट बताने वाला हूँ। एक बहुत ही बड़ी अपडेट लेकर के आ गया हूँ। और दोस्तों, ये अपडेट झारखंड के सिमडेगा जिला से करके आया हुआ है। और सिमडेगा जिला में चौकीदार का जो बहाली है, उसी से संबंधित ये अपडेट मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। दोस्तों, आप लोगों को पता है कि झारखंड के हर एक जिले में न्यू वैकेंसी जारी किया जा रहा है। और वो वैकेंसी का नाम है चौकीदार, यानी चौकीदार के पदों पर हर एक जिले में झारखंड के बहाली को निकाली जा रही है। इसी प्रकार से दोस्तों, झारखंड के सिमडेगा जिला में चौकीदार का बहाली है, उसको निकाला गया था। बहुत सारा फॉर्म भी फिलअप हुआ। फॉर्म फिलअप होने के बाद उसका शारीरिक जांच और लिखित परीक्षा का जो तिथि है उसको जारी कर दिया गया था। आप लोगों को पता होगा कि वहाँ पे सिमडेगा जिला में चौकीदार का जो परीक्षा की तिथि था, वो आप लोगों का 27 से लेकर के 28 अगस्त तक होने वाला था। लेकिन दोस्तों, उसी से संबंधित ऑफिशियल नोटिफिकेशन को जारी किया गया है। और इसमें आप लोगों को बताया गया है कि परीक्षा तिथि था उसको स्थगित अवैध किया जा रहा है, किसी न्यू डेट को जारी किया जाएगा आप लोगों का परीक्षा होने का। यानी सिमडेगा जिला में चौकीदार का जो परीक्षा होने वाला था 27 और 28 अगस्त को, उसको चेंज कर दिया गया है, न्यू डेट को जारी किया जाएगा। तो उससे संबंधित ऑफिशियल नोटिफिकेशन को जारी किया गया है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आप लोगों को उसी ऑफिशियल नोटिफिकेशन के बारे में बता रहा हूँ कि क्या कुछ बताया गया है। चलिए चलते हैं वन ग्राउंड की स्क्रीन पे। उससे पहले दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह ऑटोमेटिक वीडियो सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को बेल आइकन कॉल कर लीजिए। चलिए चलते हैं वन ग्राउंड की स्क्रीन पे। तो दोस्तों, अभी जो आपके मोबाइल फोन के स्क्रीन पे नोटिफिकेशन शो हो रहा है, यही वो नोटिस है जो कि सिमडेगा जिला से इसको जारी किया गया है। जो कि यहाँ पर आप लोग देखते हैं, कल के डेट में 24 अगस्त 2024 को इसको जारी किया गया है। यहाँ पर आवश्यक सूचना में बताया गया है कि विज्ञापन संख्या 01/2023 के आलोक में चौकीदार सीधी नियुक्ति परीक्षा 2024 हेतु सिमडेगा जिला अंतर्गत दिनांक 27 अगस्त 2024 एवं 28 अगस्त 2024 को अभ्यर्थियों की शारीरिक जाँच हेतु तिथि निर्धारित किया गया था, जिसे अपरिहार्य कारणों से स्थगित किया जाता है। साथ ही दोस्तों, यहाँ पर नीचे बताया गया है कि नई तिथि की घोषणा शीघ्र ही की जाएगी एवं इसकी सूचना स्थानीय दैनिक समाचार पत्रों के माध्यम से एवं जिला सीमादेष्टा की वेबसाइट www.simdega.nic.in पर भी दी जाएगी। यानी कि दोस्तों, यहाँ पर साफ साफ बताया गया है कि आप लोगों का सिमडेगा जिला में चौकीदार का बहाली को निकाला गया था, जहाँ पे दौड़ शारीरिक जांच और लिखित परीक्षा का तिथि 27/8/2024 एवं 28/8/2024 को निर्धारित किया गया था। लेकिन किसी कारणवश यहाँ पर देखते हैं, बताया जा रहा है कि अपरिहार्य कारणों से इसका जो तिथि है उसको स्थगित किया जा रहा है। आप लोगों का लिखित परीक्षा था, उसको रोका जा रहा है, यहाँ पर आप लोगों को बताया गया है। बाकी यही था दोस्तों, आप लोगों का ऑफिशियल नोटिफिकेशन चौकीदार से संबंधित सिमडेगा जिला के वैसे छात्र छात्राएं जो चौकीदार का फॉर्म को फिलअप किए हुए थे, फॉर्म को भरे हुए थे, और उन लोगों का शारीरिक जांच और लिखित परीक्षा 27/8/2024 एवं 28/8/2024 को होने वाला था। तो उन लोगों को मैं बता दूं कि आप लोगों का परीक्षा की तिथि है उसको स्थगित किया गया है अपरिहार्य कारणों से। और इसका जो नई तिथि है उसको जल्द ही जारी किया जाएगा। और जैसे ही इससे संबंधित ऑफिशियल नोटिफिकेशन आता है तो मैं आप लोगों को वीडियो बना करके और बता दूंगा। तो दोस्तों, ये था झारखंड सिमडेगा जिला चौकीदार से संबंधित आया हुआ ऑफिशियल नोटिफिकेशन। आशा है कि इसमें आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा, सब कुछ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। दोस्तों, अभी झारखंड में एक्साइज कॉन्स्टेबल यानी उत्पाद सिपाही का फिजिकल लिया जा रहा है, वहाँ पे दौड़ कूद कराया जा रहा है। तो इसी की वजह से आप लोगों का इसका जो तिथि है उसको अभी स्टॉप कर दिया गया है। परीक्षा का जो तिथि था उसको बदलाव किया गया है। जैसे ही इससे संबंधित ऑफिशियल नोटिफिकेशन आता है, न्यू डेट आता है, तो मैं आप लोग को वीडियो बनाकर बता दूंगा। बाकी चलिए मिलते हैं फिर किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर द वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।